진호. 어, 히로! 히로! 우리 못 가리야! 자, 보시겠나? 진호, 너희도 가다다. 무제 말내게 왔을 정글을 쳐라, 진호. 진하면 야르자. 진하자. 히로! 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 就把你 मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारी मौत टाइगर के जबड़ों में नहीं होगी। एक ही का हिसाब लेना पंडित, फिर तो उसकी लाश बहुत पहले भी से इसने तेरे लोगों को चुन चुन के मारा है। मार डाल इसे, मार डाल, मार इसे। तू तो उससे यार पंडित मेरा जानता है, मैं इसको भी बीरा, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किसने बोला था सुंदरबन में आके दखल अंदाजी करो? सुंदरबन बाघ का घर है। उदय के घर वो अपने बच्चे को ढूंढते हुए पहुंची थी। मैं एक माँ को बचाना चाहती हूँ और तुम एक माँ को मारना चाहते हो। अपने लक्ष्य को पाकर क्या तुम खुश हो जाओगे? निर्दोष की जान लेना किसी इंसान का लक्ष्य नहीं होता। पहले भी एक बार जाल में फंसाया था इसको, लेकिन एक अनजान फोटोग्राफर ने इसको जाल से छुड़ाया और इस बाघिन को मारने का मौका हाथ से निकल गया। मार इसका अंजाम तो कुत्ते की मौत से भी बदतर होना चाहिए। Thank you.
अगर तुमने इसके बच्चे को छोड़ दिया तो हमारे पास यहाँ से बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत सता लिया हमने इस मार बच्चे को। सुंदरबन डायरीज डे 15। यहां के सारे टाइगर्स मैन ईटर्स नहीं होते, वो तो किसी भी इंसान की तरह अपने परिवार और अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस धरती पे इंसान के अलावा पशु पक्षी और जानवरों का भी हक है। कितनी अजीब सी बात है ना, आग तो हमने बनाई, पड़ोसी का घर भी तो हमने ही जलाया। खून की प्यास इंसान से बढ़कर किसी को नहीं, और मैन ईटर्स का टाइटल हमने बेचारे इस टाइगर को दे दिया। लेकिन वो पहले वाले टाइगर कब का क्या हुआ? I don't know.